हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, आज है 2 फरवरी 2019 और आज का करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। और आज से हमारा डेली करंट अफेयर का सीरीज जो है वो स्टार्ट हुआ है और ये सीरीज अब रुकने वाला नहीं है। कल से आपको 5 बजे मॉर्निंग में ही ये सीरीज मिल जाया करेगा। आज थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि ये स्टार्टिंग डे है तो थोड़ा सा लेट हुआ है। बाकी कल से आपको 5 बजे सुबह ही ये करंट अफेयर का सीरीज मिलना शुरू हो जाएगा, वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो डेली करंट अफेयर का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सीरीज कैसा लग रहा है आपको और वीडियो कैसा लग रहा है, क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे वीडियो का PDF उसी समय मिल जाया करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है एग्जाम तक, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे बैंकिंग, SSC, रेलवे, BPSC, हर एग्जाम की तैयारी, पुलिस, ये सब की तैयारी जो है वो यहाँ पे करवाई जाएगी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और वहाँ पे सर्च कीजिए अभिमन्यु सिंह, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। और BPSC असिस्टेंट के लिए यहाँ पे स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसके बाद 65वीं BPSC की तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, अनअकैडमी पे करवाऊंगा। बिहार SSC CGL की भी तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो जरूर कीजिए अनअकैडमी पे। देखिए, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। हाल ही में किस लेखक को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, इनका नाम है रामधारी सिंह दिवाकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और ये बिहार के निवासी हैं, बिहार के अररिया जिला के निवासी हैं। ओके, रामधारी सिंह दिवाकर। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि बिहार के अररिया जिले के गांव नरपतगंज के ये निवासी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और ये एक लेखक हैं और इन्होंने कई पुस्तक जो है वो किसानों के लिए लिखा है। और इफको जो है वो एक फर्टिलाइजर कंपनी है। ओके, जो किसानों के लिए जो है वो अलग अलग फर्टिलाइजर भी बनाती है। तो इनका जो है एक शोक पर्व कहानी है जो दिल्ली दूरदर्शन ने फिल्म भी इसके ऊपर बनाया है। ओके, शोक पर्व पर। और इनको जो है वो क्या क्या दिया जाएगा सम्मान में, तो इनको जो है वो प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का राशि जो है वो दिया जाएगा। तो खैर, क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि इनको क्या दिया गया है, बस नाम पूछा जाएगा कि यह अवार्ड किनको दिया गया है। या बिहार का अगर कोई एग्जाम है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के निवासी हैं। तो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसके बाद है वर्ष 2019 के अंतरिम बजट को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। पूरा जो है वो न्यूज छाया हुआ था और अभी जो है वो अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे ये बीमार हैं और ये विदेश में इनका इलाज चल रहा है, तो इस कारणवश इन्होंने नहीं पेश किया बल्कि पीयूष गोयल जी ने ये पेश किया है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। और इसके बारे में मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। भारत सरकार ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा 2021 में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये पीसा जो है वो क्या है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है OECD, OECD। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारत सरकार ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये है OECD। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। OECD की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है वो है फ्रांस में। ओके, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसका गठन, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, और इसमें 35 सदस्य देश हैं, टोटल 35। और जो डेवलप कंट्री हैं, वो विकसित जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। ओके, अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो बहुत ही हाई है, तो वैसे देश इसके सदस्य हैं। ओके, और भारत भी 2021 में ये बोल रहा है कि मैं इसका सदस्य बनूंगा, भारत भी इसका सदस्य बनना चाह रहा है। और OECD का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में है।
किस केंद्रीय मंत्री को सतत बिजली समाधान, बिजली सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए कर्नाड पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हैं पीयूष गोयल जी। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पीयूष गोयल को। और इनको ये पुरस्कार जो है वो पेंसिल्वेनिया, ओके, विश्वविद्यालय, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके स्कूल ऑफ डिजाइन में क्लाइनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी, ओके, ये आपको याद रखनी है। इसकी ओर से ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया है, कर्नाट पुरस्कार। इसके बाद है, किस राज्य में जेल डिजाइन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? जेल डिजाइन, इस पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्टेट में ये जो है वो आयोजित किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, ओके, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, इनका नाम है राजीव चोपड़ा। ओके, राजीव चोपड़ा। और देखिए इनका मोटो क्या है, मोटो इसका एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है, मोटो भी पूछा जाता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। तो राजीव चोपड़ा ने एनसीसी का महानिदेशक जो है ये नियुक्त हुए हैं, इन्होंने पदभार संभाला है। हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया है। ओके, और देखिए इसका विषय क्या था, थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी दिवस जो मनाया जाता है उसका विषय थीम क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका थीम था भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। देखिए, कुष्ठ रोग जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, जिसका नाम है माइको बैक्टीरियम लप्रे। ओके, माइको बैक्टीरियम लप्रे, इसके कारण ये बीमारी जो है वो होता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इसका विषय क्या था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत राज्य में अगले 4 महीने में 1,000 गौशाला खोलने का निर्णय लिया है? 1,000 गौशाला बनाएगा बनाएगी कौन सी सरकार है जिसने ये प्रोजेक्ट गौशाला लॉन्च किया है और इसके तहत 1,000 गौशाला बनाया जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और अभी गठन हुआ है सरकार का, कांग्रेस का यहाँ पे सरकार है मध्य प्रदेश में। ओके, और कमलनाथ हैं मुख्यमंत्री, कमलनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपको याद रखनी है। और थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग प्रोजेक्ट गौशाला का नोडल विभाग होगा। ओके, इसका नोडल विभाग होगा मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग। और इसका क्रियान्वयन है किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोग मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह, ओके, राज्य गौ संवर्धन बोर्ड। ओके, तो इतनी जो संस्थाएं हैं वो इनका क्रियान्वयन करेगी। तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है, हाल ही में किस आईआईटी टीम द्वारा नदी की धारा से बिजली बनाने वाले डिवाइस टेस्ट का परीक्षण किया है? नदी की धारा से बिजली बनाने वाले डिवाइस टेस्ट का परीक्षण किया गया है, कौन सी टीम, किस आईआईटी टीम ने ये किया है? तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की ने। ओके, और आईआईटी खड़गपुर ने भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो खोज इन्होंने एक किया था। इन्होंने प्याज के छिलकों द्वारा इस्तेमाल करके एक सस्ते उपकरण इन्होंने बनाया था, एक सस्ता उपकरण बनाया था, निर्माण किया था, जो शरीर की गति का इस्तेमाल कर हरित विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बनाया था इन्होंने, आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने। और इससे जो है वो पेसमेकर, स्मार्ट पिल और पहनने लायक जो विद्युत उपकरण है इसको चलाया जा सकता है। ओके, तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नदी की धारा से बिजली बनाने का डिवाइस ये तैयार कर रहे हैं आईआईटी रुड़की की टीम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कोटपुतली में एक आदर्श विद्या मंदिर में
सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया? कोटपुतली किस राज्य में स्थित है? सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने, कोटपुतली में। अब पूछा जा रहा है कि यह कोटपुतली किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान में। और इससे देखिए इससे क्या होगा, सौर ऊर्जा संयंत्र से इसके पूरा जो विद्यालय होगा, स्कूल जो होगा वो पूरा रोशन होगा, और साथ ही साथ इसके अलावा ऊर्जा का लाभ जो होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसका लाभ जो है वो कोटपुतली के परिवार को भी दिया जाएगा। तो ये हैं, आप फिगर देख सकते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर। हाल ही में यूएई और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? यूएई और संयुक्त अरब अमीरात, और सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा अबेर। अबेर, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, अबेर इसका सही आंसर है। देखिए यूएई और सऊदी अरब के केंद्रीय बैंकों ने अबेर नामक एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, जिसका उपयोग ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों देशों के बीच वित्तीय भुगतान में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जूनियर पीएचडी छात्रों को मिलने वाली रिसर्च फेलोशिप में बढ़ोतरी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये पहले था 25,000 रुपये, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31,000 रुपये ये किया गया है, पहले था। लेकिन ये यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है जूनियर पीएचडी छात्रों के लिए, अगर यहाँ पे पूछा जाए सीनियर के लिए तो ये कितना है, तो सीनियर के लिए पहले था 28,000, लेकिन अभी कर दिया गया है 35,000। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये था आज का 2 फरवरी का करंट अफेयर। तो वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। कल से इस वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में ये वीडियो बनाया गया है। तो आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करें, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। और एग्जाम तक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू।